दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन और संजू सैमसन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित ने ठुकराया, हार्दिक ने भी किया नजरअंदाज, लेकिन भारतीय क्रिकेट के गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन ने संजू के लिए बड़ी महानता दिखाते हुए जो बयान दिया है, सच में उसे सुनकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। संजू को प्लेइंग 11 में शिखर धवन जगह देंगे या नहीं, और देंगे भी तो किसकी जगह देंगे, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ गब्बर ने सैमसन के लिए और क्या कहा है, उसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस तरीके से कुछ समय पहले लोगों का ये सवाल था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कुछ वैसा ही सवाल इस वक्त क्रिकेट जगत में है कि आखिरकार संजू को प्लेइंग 11 में मौका कब मिलेगा। एक ऐसा टैलेंटेड बल्लेबाज जिसे बीसीसीआई से लेकर उनके चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट, यहां तक कि रोहित और हार्दिक जैसे कप्तान भी इग्नोर करते रहे। बल्ले से लगातार धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले संजू सैमसन को टीम इंडिया में केवल पानी पिलाने के लिए ही रखा गया। जब टी20 वर्ल्ड कप का ऐलान हुआ, वहां भी संजू का नाम नहीं था। उसके बाद जब न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका नाम आया तो हार्दिक ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में उन्हें मुकाबले में खेलने का मौका नहीं दिया। अगर संजू के पिछले प्रदर्शन की बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने एक ऐतिहासिक पारी खेली थी, ये शायद ही कोई क्रिकेट फैन भुला पाएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में वो तीनों ही मैच में नॉट आउट रहे, और 86 रनों की पारी में तो उन्होंने साउथ अफ्रीका गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि संजू सैमसन वनडे में 9 बार बल्लेबाजी कर चुके हैं और उनमें से 5 बार तो गेंदबाजों ने आउट ही नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के लिहाज से संजू भारत के तुरुप के इक्के साबित हो सकते हैं, हालांकि उनके लिए उन पर कप्तान का भरोसा भी होना चाहिए, और कुछ ऐसा ही किया है वनडे के कैप्टन शिखर धवन ने। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर को पहला वनडे मैच खेला जाएगा। उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिखर धवन ने संजू को लेकर खुलकर बातें की हैं। दोस्तों, जब धवन से ये सवाल किया गया कि संजू को या फिर और भी किसी खिलाड़ी को मौका क्यों नहीं दिया जाता है जो डिजर्विंग है, इस पर गब्बर ने बेबाकी से इसका जवाब देते हुए कहा कि एक कोच और एक कप्तान के तौर पर हमें पता है कि किस खिलाड़ी को कब मौका देना है, और ये भी पता है कि किन किन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा है। हाँ, हम उन्हें उनका रीजन जरूर बता देते हैं कि उन्हें किस कारण टीम में मौका नहीं मिला, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूँ किसी से मौका नहीं मिला है, उसे टीम में मौका मिलेगा और लंबे वक्त तक मिलेगा। हमें पता है संजू कितने टैलेंटेड बल्लेबाज है और वनडे सीरीज में हमें उनके टैलेंट का फायदा जरूर उठाएंगे। दोस्तों, शिखर धवन ने जिस तरीके से संजू की तारीफ करते हुए ये कह दिया है कि हम वनडे सीरीज में उनके टैलेंट का फायदा जरूर उठाएंगे, उससे तो एक बात साफ हो जाती है कि संजू का प्लेइंग 11 में खेलना लगभग पक्का है। वैसे आपका क्या मानना है, संजू को शिखर धवन किसकी जगह टीम में जगह देंगे, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर या फिर कोई और बल्लेबाज, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।